सिरे के सहारे रहेंगे, नजदीकियां क्या हो दूरियां, बस प्यार ही रहेगा दरमियान। नहीं धूप का ठंडी छाया देगा हरदम, पवित्र रिश्ता पवित्र रिश्ता तेरे मेरे मन का, पवित्र रिश्ता पवित्र रिश्ता तेरे मेरे मन का। सतीश जी की आई ने जो शर्त रखी है ना, उससे एक रास्ता खुल गया और उसी बात का फायदा उठाकर मैं उन दोनों को मिलवा कर रहूंगी। साफ साफ बात ये है कि मुझे आपकी मदद चाहिए, एक नाटक करना है। मैं सारे मसले पे सोच विचार करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि श्राम ने उस बच्चे को रखे, बस उसके हाथ थामने के लिए अगर मैं मिल जाऊँ तो, और इसके लिए मेरी नजर में सबसे पहला नाम है माना। श्राम के साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। अर्चना के साथ अन्याय कर रहा है तू। दादा ये क्या कर रहा है माना? एक गलती सुधारने के लिए दूसरी गलती करने में क्या समझदारी है? ऐसा करके वो अपनी जिंदगी तो बर्बाद कर ही रहा है और अर्चना की भी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। दादा जो हुआ जो हो रहा है उसमें अर्चना की क्या गलती है? गलती सचिन ने की है और उसकी सजा वो क्यों भुगते? क्या कहा? अर्चना की क्या गलती है? भूल गए उसने हमारे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट की थी, एक जमानत मिली सजा खत्म हो गई, लेकिन आज जो हम सजा भुगत रहे वो जन्म भर भुगतनी पड़ेगी। जब भी उसका नाम घर में निकलता है ना तो पुलिस ने दी हुई मार एक एक जख्म ताजा हो जाता है। तुमको अगर माफ करना है तो माफ कर दो, मैं कभी माफ करने वाली नहीं सविता। मैं कुछ नहीं सुनने वाली, हमारी मानव की जिंदगी का सत्यानाश करने वाली यही लड़की है, हमारे सचिन को मार डालने वाली यही लड़की है। श्रावणी को कहीं का नहीं छोड़ा, हमारी बदनामी हमारी इज्जत, इससे और ज्यादा क्या करना चाहती थी वो? सविता ये सब बातें मुझे क्यों गिनवा रही हो? मुझे सब कुछ याद है, हमारे साथ जो भी हुआ वो यकीनन बुरा हुआ। सचिन के जाने का दर्द जितना तुम्हें हुआ है उतना मुझे भी हुआ है। जाने का गम मुझे भी है, लेकिन इन सब बातों के लिए अर्चना को दोषी ठहराना मुझे कतई मंजूर नहीं है। अरे अर्चना जैसी लड़की किसी का बुरा करना तो क्या, सोच भी नहीं सकती बुरा। दूसरों की मुश्किलें अपनी मुश्किलें समझती है वो हमारे लिए मुश्किलें क्यों पैदा करेगी? अगर भगवान भी आकर कहेगा ना कि अर्चना ने इस घर को बर्बाद किया है तो भी मैं उस पर विश्वास नहीं करूंगा। मैं विश्वास करती हूँ, मैं मानव और वंदु तीनों विश्वास करते हैं कि हमारी बर्बादी का कारण कोई लड़की है। कैसे बाप हो तुम, अपने बेटे की गुनाहगार की तरफदारी कर रहे हो तुम? वो मनहूस हमारे सचिन को खा बैठी फिर भी आप प्यार करते हो उसे? जाने कौन सा काला जादू किया है तुम पर, तुम्हें आंखें ही नहीं है या आंखें होते हुए तुम देखना नहीं चाहते या जानबूझकर देख नहीं रहे हो? मैं सब कुछ देख रहा हूँ और सब कुछ समझ भी रहा हूँ, लेकिन तेरी आंखों पे पट्टी पड़ी हुई है। मानो कुछ गलत करने जा रहा है और तू उसमें उसको उकसा रही है। देख सविता, तू एक दिन बहुत पछताएगी, लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होगी। कुछ नहीं पछताने वाली मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ,
मानव अपने आप शादी के लिए तैयार हो गया है, मैंने उस पर दबाव नहीं लाया है। हाँ, सिर्फ उसके काम में मैं उसे साथ दे रही हूँ और आइंदा आप इस काम में रुका हुआ नहीं लाओगे, समझा? बस चुप करो तुम दोनों, यहाँ मानव की जिंदगी दांव पर लगी हुई है और तुम दोनों एक दूसरे की गलतियां निकालने में लगे हो। बस इसके आगे इस विषय में कोई कुछ नहीं बोलेगा, मानव जो तय करेगा वो सबको मानना पड़ेगा। लेकिन दादा, दामोदर तुम मानव को अच्छी तरह से जानते हो, खुद के बारे में सोचना तो उसे आता ही नहीं, शायद उसका जन्म दूसरों का कल्याण करने के लिए ही हुआ है और हमने ये सच्चाई मानकर ही आगे बढ़ना होगा। श्रावणी से उसकी शादी, ये विषय इसी सच्चाई का एक भाग है। जी साइन, थैंक यू। कौन है वर्षा? ये क्या है? अरे बता ना क्या है ये? ये रिपोर्ट का फैसला उसी दिन हो जाएगा। आई मैं चलती हूँ। अब जो भी होना है जल्दी हो जाए, मुझसे अर्चना की हालत देखी नहीं जाती। ताई, ताई अब क्या होगा? अगर 3 दिन में कोर्ट के फाइनल ऑर्डर्स निकल गए तो फिर ताई और जीजू का मिलना मुश्किल है। ओके सर, नो प्रॉब्लम, मैं पर्सनली अगर आपसे मिलता हूँ फिर बात करते हैं, लेकिन हाँ मेरी बुकिंग हिलाइएगा मत। ठीक है, थैंक यू। मंजू? हाँ? बिल्डर 20% एडवांस बुकिंग मांग रहा है, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, इतने सारे पैसे लेकर कहाँ से हैं? तो क्या हुआ विनोद, आई से ले लेंगे ना हम? मंजू तुम तो ना, मंजू मंजू देखो विनोद, ना मत कहना, किसी भी हालत में हमें ये फ्लैट खरीदना ही है और इसके लिए अगर तुम्हें अपने सिद्धांतों से भी समझौता करना पड़ा ना तो वही सही, ये मौका मैं हाथ से नहीं जाने देना चाहती हूँ। और हम आई से उधार ले रहे हैं, चुका देंगे उन्हें, इसके लिए तुम इतनी शर्मिंदगी क्यों महसूस कर रहे हो? विनोद, पैसों की वजह से ये फ्लैट हाथ से नहीं जाना चाहिए, उसका काम नहीं रुकना चाहिए, समझे तुम? और तुम्हें पता है मैंने वहाँ फ्लैट के पास में एक बहुत अच्छा स्कूल है, मैंने वहाँ पुन्नी के एडमिशन के लिए इंक्वायरी भी कर ली है, अगर पुन्नी का एडमिशन वहाँ हो जाएगा ना तो बस का चक्कर भी बच जाएगा। अरे पैसे बच जाएंगे हमारे। आई मैं नए स्कूल में जाऊंगी। हाँ बेटा, आपका नया स्कूल होगा, नई स्कूल यूनिफॉर्म होगी, नए नए फ्रेंड्स होंगे,
सब कुछ नया नया होगा। मैं पुराने स्कूल में ही रहूंगी, मुझे नहीं जाना नया स्कूल में। पुन्नी जिद नहीं करते हैं बेटा, अरे तुम नए स्कूल में जाकर तो देखो, बहुत बड़ा स्कूल है, पुन्नी को वहाँ पर बहुत मजा आएगा। और पता है तुम्हें, जो नया स्कूल है ना वो अपने नए घर के बिल्कुल पास में है, तो आई तुम्हें रिसेस में मिलने के लिए आया भी करेगी, है ना? अरे मंजू, वो एफडीज की फाइल कहाँ है? हाँ अभी देती हूँ, चलो चलो स्कूल के लिए देर हो रही है ना, बैग उठाओ। रुको ना, आटो। बाबा बाबा। नहीं? क्या हुआ बेटा? बाबा मुझे नया स्कूल नहीं जाना है। क्यों बेटा? जब मेरे फ्रेंड नए स्कूल में नहीं जाते तब मैं क्यों जाऊं? आई कह रही थी कि हम लोग नए घर में जा रहे हैं, मुझे नहीं जाना है, मुझे यहीं पर रहना है आप लोगों के साथ। यहाँ जा। नहीं बेटा ऐसा नहीं, पुन्नी अपने आई बाबा से कभी दूर मत जाना, बच्चों को हमेशा आई बाबा के साथ ही रहना चाहिए, और अभी तुम्हें उनकी जरूरत है, कल उन्हें तुम्हारी जरूरत होगी। बच्चे आई बाबा के साथ और आई बाबा बच्चों के साथ ही अच्छे लगते हैं, समझी? और फिर तुम अपने नए घर में जाओगी तो हम भी तो आएंगे ना तुमसे मिलने, तुम हमें अपने नए घर में बुलाओगी ना? दोबारा ऐसी बात कभी मत करना, भूल कर भी अपने आई बाबा को छोड़कर जाने की बात मत करना। जब बच्चे अपने आई बाबा से दूर चले जाते हैं उन्हें बहुत दुख होता है। आई हम सब चले जाएंगे तो आपको डर नहीं लगेगा? लगेगा ना, बहुत डर लगेगा। लेकिन हम दरवाजे बंद कर लेंगे, सतीश जी। जी वो कैबिन में है। थैंक्स। सतीश जी आज कोर्ट का समन आया, 3 दिन बाद ताई और जीजू के केस की आखिरी तारीख है, अगर कोर्ट ने डिवोर्स एक्सेप्ट कर लिया ना तो जो आखिरी उम्मीद बची है ना उन दोनों के एक होने की, वो भी हाथ से छूट जाएगी। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, अब कैसे रोकूं मैं? वर्षा तुम पहले शांति से बैठो, हम बात करके इस मसले का कुछ हल निकालते हैं। मेरी ताई और जीजू का रिश्ता मेरी आंखों के सामने टूटता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे, और आप कह रहे हैं शांति से बैठ जा। सॉरी लेकिन मैं नहीं कर सकती, पता है जिंदगी में पहली बार मुझे इतना हेल्पलेस फील हो रहा है, मैं अपनी ताई के लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मैं अर्चना, जरा प्लीज केबिन में आना। क्यों? ताई, वो मैं सतीश जी से मिलने आई थी। हाँ अर्चना जरा बैठो। अर्चना जैसा तुम चाहती थी मैंने बात की अपनी आई से उस बारे में, लेकिन वो तुम्हारे मानो के घर जाने को लेकर के इतना सीरियस है कि मैंने लाख समझाने की उसको कोशिश की लेकिन वो समझने के लिए तैयार ही नहीं। अच्छा अगर तुम्हारे और मानो के बीच में सुलह नहीं हुई तो आई मेरी और वर्षा की शादी नहीं होने देगी, जो मुझे बर्दाश्त नहीं। अच्छा तुम तो जानती हो कि मैं
वर्षा से कितना प्यार करता हूँ। ठीक है, अगर वो हमारे इस रिश्ते से खुश नहीं है तो ना सही, तो मैं शादी करूंगा तो वर्षा से। उसके लिए चाहे मुझे अपने घर या घर वालों को छोड़ना ही क्यों ना पड़े। तो ये प्लान है सतीश जी का। अर्चुदाई तो कभी नहीं चाहेगी कि सतीश जी अपने घर वालों के खिलाफ जाकर मुझसे शादी करें। वो जीजू के पास वापस जाने की पूरी कोशिश करेंगी। मतलब हमारा काम जल्द से जल्द बन जाएगा। सतीश जी, आपके आई के आशीर्वाद के बिना ही शादी नहीं होगी। सतीश जी, मैं चाहती हूँ कि मेरी वर्षों को आपका पूरा परिवार खुशी खुशी स्वीकार करे। ऐसा कैसे होगा? ऐसा जरूर होगा। हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। कोई रास्ता नहीं अर्चना, मेरी आई अपनी जिद को लेकर के बैठी हुई है। वो उस शादी को नहीं होने देगी। एक रास्ता है सतीश जी, तीन दिन बाद मेरा कानूनी तलाक हो जाएगा। फिर आपकी आई ये भी नहीं कह पाएगी कि मैं मानव के पास वापस जाऊं। और आपके सारे रिश्तेदार इसे स्वीकार कर लेंगे। फिर किसी को इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ सर, हाँ जी जी। बाबा ये रहा आपका अखबार। हाँ मैं टाइम पे आ जाऊँ। क्या हुआ दादा, किसका फोन था? वकील साहब का फोन था। एक कोर्ट के पेपर्स आए, तीन दिन बाद सुनवाई, जिस पर डिवोर्स हो जाएगा। अच्छा हो जाएगा, उस मनु से जल्द छुटकारा तो मिल जाएगा। उसका नाम निकलते ही मेरे शरीर में आग लग जाती है। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं उसके लिए नफरत बढ़ती जाती है। तेरा तलाक होते ही हम श्रावणी के साथ तेरी शादी कर देंगे, ताकि चार लोगों को बात करने से बच जाएगी और श्रावणी की बदनामी नहीं होगी। नहीं मानो इस वक्त तू कहाँ जा रहा है? बहुत बड़ा फैसला करना है, उससे पहले पप्पा के दर्शन करने जा रहा हूँ।
सही हो या गलत ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं जो भी कर रहा हूँ सचिन और इसके बच्चे के भविष्य के लिए कर रहा हूँ। पापा, मेरे लिए आपने क्या सोचा है मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आप मेरे लिए जो भी सोचेंगे ना वो मेरे लिए सही होगा। मेरी जिंदगी का फैसला तो मैंने आप पर छोड़ दिया, बस वर्षा की खुशी के लिए, उसके भविष्य के लिए 3 दिन बाद मुझे एक बहुत बड़ा कदम उठाना है। मेरी हिम्मत बनकर उस वक्त मेरा साथ देना।